कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि मेंस्ट्रुअल कप कैसे यूज करते हैं, तो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि दी मेंस्ट्रुअल कप एंड टैम्पॉन्स में से किसे यूज करें, कौन सा ज्यादा अच्छा है। सो गाइस, आज मैं उसी टॉपिक में बात करने वाली। हेलो एवरीवन, दिस इज सुदेशना, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी 10 ऐसी पॉइंट्स जिससे आप खुद ही पता लगा सकते कि आपके सेहत के लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है। नंबर 1, मेंस्ट्रुअल कप्स आर इको फ्रेंडली, क्योंकि कप्स रीयूजेबल होता है, बट टैम्पॉन्स रीयूजेबल नहीं है, इसलिए ये एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नंबर 2, अगर आपके बहुत ज्यादा हेवी फ्लो है फिर भी मेंस्ट्रुअल कप आपको दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चेंज करना पड़ता है, बट टैम्पॉन्स उतना ज्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसलिए ये आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है अगर आप बाहर जाओगे तो। नंबर 3, मेंस्ट्रुअल कप्स डोंट हार्म वर्जाइनल एनवायरमेंट, बट टैम्पॉन्स 65% आपके मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के साथ ही साथ 35% नेचुरल मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि आपके वजाइना को ड्राई बना देता है, इससे पीएच लेवल बिगड़ता जाता है, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। नंबर 4, मेंस्ट्रुअल कप्स किसी भी तरह का फाइबर आपके बॉडी में नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये फाइबर से बनते ही नहीं, बट टैम्पॉन्स अपने फाइबर्स को आपके वजाइनल वॉल में छोड़ता है, जो अनहेल्दी होता है। नंबर 5, नो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टैम्पॉन्स यूज करने से आपके TSS मतलब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, जो मेनली बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से हो सकता है, इससे आपके फीवर, रैश, स्किन पिलिंग, यहाँ तक कि आपके लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, बट मेंस्ट्रुअल कप से ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये बॉडी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। मेंस्ट्रुअल कप कोई भी ब्लीच या फिर एब्जॉर्बेंस जेल कंटेन नहीं करता है, बट टैम्पॉन ये सारी चीजें कंटेन करता है, लेकिन एवर्टीन का जो टैम्पॉन्स है इसमें कोई भी क्लोरीन नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही हो सकता है। अगर आपको टैम्पॉन्स के बारे में और भी कुछ जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप सेंसिटिव स्किन के लोग भी यूज कर सकते हैं, बट टैम्पॉन्स सेंसिटिव स्किन वाले लोग यूज ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन में इरिटेशन क्रिएट कर सकता है। मेंस्ट्रुअल कप 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बनती है, इसलिए ये 100% सेफ है यूज करने के लिए। और लास्ट में ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, ये एक मेंस्ट्रुअल कप लगभग 8 to 10 years तक चलता है, बट इस तरह का एक टैम्पॉन बॉक्स में टोटल 8 टैम्पॉन्स रहता है, और वो भी अगर आपको बहुत ज्यादा हेवी फ्लो है तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन चलता है, तो ये काफी ज्यादा प्राइसी है। तो ये तो थी मेंस्ट्रुअल कप एंड टैम्पॉन्स का डिफरेंस। मैंने जो आपको दिखाई है ये है एवर्टीन का टैम्पॉन, जो कि बाजार में जो चलता है उससे काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का है, ये सेफ है, कंफर्टेबल है और हाइजीनिक भी है, और इसमें कोई भी क्लोरीन नहीं है और ना ही इसमें कोई भी सेंटेड चीजें है या फिर परफ्यूम है, और ये टैम्पॉन्स 100% विस्कोस फाइबर से बनी हुई है, जो कि आपके हेल्थ को हार्म नहीं पहुंचाएगा, और आपके टैम्पॉन्स आपके कितना ज्यादा हेवी फ्लो होता है उस तरह से आप ये चूज कर सकते हैं। एवर्टीन का ये टैम्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, तो प्लीज आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, ताकि और भी लोगों को पता चले और भी लोगों का हेल्प हो सके। तो मैं मिलती हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेरे और भी पीरियड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, और मेरे स्किन केयर के वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।